हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज किरण घोष। सो मैंने लगभग 3 पेपर्स दिए हैं पीजीटी, टीजीटी ज्योग्राफी में मिलाकर। 2 पीजीटी का है, 1 टीजीटी का है, जो कि लास्ट वन ये वाला आपका बिहार का टीजीटी का था। ये एमआरएस का पीजीटी का था, और ये हमारा वेस्ट बंगाल का ही मद्रास स्कूल सर्विस कमीशन का जो काल एग्ज़ाम था उसका पेपर है। ठीक है, तो तीनों पेपर में ही मैं एक फेलियर रहा हूँ, और उसी का कुछ मैंने रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो मेरे को लगा कि देखो, मैंने पढ़ तो रहा हूँ बट याद रखने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मतलब फैक्चुअल चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअली पूछा जा रहा है, फैक्ट्स ही पूछे जा रहे हैं आपसे, और वो याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। और मैंने इसका रीज़न देखा तो मैंने देखा कि यार, मेरा जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी डीऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज कैसे बनाया जाए उस पर तो बात तो बनेगी, बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने गलती क्या क्या कर रहा हूँ वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखा कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो वो टॉपिक को बस बुक में जो दिया गया है वो पढ़ रहा हूँ, बट ऐसे करने से नहीं होगा। आपको एक एग्ज़ामिनर की माइंड से, पर्सपेक्टिव से आपको सोच के पढ़ना पड़ेगा कि यार क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि देखो सारे सवाल बुक से ही आ रहा है, बट एग्ज़ामिनर या फिर जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें वो चीज़ें नहीं दिया गया जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है या फिर जैसे पूछ रहा है। मान लो कल की पेपर में ये सारे आया था कि हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने कॉइन किया है, टर्म को। आप बताओ, आप जो बुक पढ़े थे कभी पढ़े थे क्या, उस टॉपिक के अंदर ये था क्या मेंशन? नहीं था। हमने जियोग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक पोल के बारे में पढ़ा था, बट वहाँ का जो डिविएशन है वो बुक में नहीं, शायद नहीं पढ़े थे हम। ठीक है, और तो यही बात है कि कोई भी एक बुक सफिशियंट सा नहीं है, क्योंकि जब कोई बुक लिख रहा है वो एग्जामिनर एज ए एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से शायद ही सोच नहीं रहा, वरना कैसे ये सब चीज़ें छूट सकता है, क्योंकि सारे चीज़ें टॉपिक के अंदर है। और ना ही ऐसा है कि वो आज डिस्कवर हुआ है, फिर तो आप किसी भी बुक पर हो उस टॉपिक के अंदर वो चीज़ें होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही है, आप मार्केट में जाकर एक बुक ऐसा ढूंढो जो कि आप सारे कुछ दिया हुआ है, बट ऐसा शायद ही पॉसिबल हो पाएगा या फिर आपको वैसा बुक मिलेगा। दूसरा चीज़ ये कि आपको जो आप जब पढ़ोगे तब आपको एनालिटिकली पढ़ना होगा, और जब आप एनालिटिकली पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करेगा आपको माइंड में, और वो क्वेश्चन की सवाल जब आप ढूंढोगे गूगल में जाकर तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो वैसे आपको एनालिटिकल माइंडसेट से पढ़ना होगा। दूसरी पॉइंट ये था, और तीसरी पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर पैनिक नहीं होने का। ठीक है, इसका ये कैसे किया जा सकता है कि आपको देखिए, आप हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं जो भी करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, बट मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिया है, और मेरे को लगता भी नहीं कि वो जो बनाता है कोचिंग कंपनीज वाले जो भी है वो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या करो ना, आप PYQ सॉल्व करो, कोई भी एग्ज़ाम का PYQ सॉल्व करो बस, बट आपको एक टाइम मेंटेन करके करना है और फॉर्मली करना है, जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे, जितना हो सके वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके करना है। हो सकता है आप एक OMR शीट का प्रिंट आउट लेकर करें, एक शांत सी से बैठ के करें और पूरा फोकस्ड होकर करें, ये सब तो ठीक है, और एक टाइम बाउंड फॉर्मेट में कीजिए कि यार मेरे को इस टाइम के अंदर ये सारे इतनी क्वेश्चंस कर लेनी है या जो भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्क होती है। अब इसमें तो देखो नेगेटिव मार्क का हद कर दिया कि बोला कि भाई 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स जाएगा तुम्हारा, ये कल का जो था पेपर ये मद्रासा का। ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स आएगा, क्योंकि मेरे कन्फ्यूज्ड भी लग रहा था और लगा क्या ये जानता ही नहीं है, इतना सारे क्वेश्चन तो इतना कम करने से क्या ही करेंगे, चलो रिस्क ले लेते हैं, ऐसे करके मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए हैं, देखा जाएगा जो भी होगा, बट वो अलग बात है। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा आज से। और रिसेंटली अब फिर से होने वाला है, जो कि मैंने फॉर्म फिल किया था, ये बिहार TRE3 का, जो कि 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। तो इस 15 दिन भी नहीं है और 10 डेज हम मान सकते हैं, तो इस 10 डेज में क्या होगा नहीं पता, बट
फिर भी थोड़ा मतलब पढ़ना तो चाहिए ना, पढ़ते रहेंगे, यही 3 4 पॉइंट के फोकस करके पढ़ते रहेंगे, और जो भी है इस एग्ज़ाम में जाकर देखते हैं आगे क्या होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही कुछ बताना था, आई डोंट नो कि क्या बताया, बट फिर से मैं सुनूंगा। चलो, मैंने क्योंकि रिकॉर्ड किया विदाउट एनी स्क्रिप्ट। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन हो या फिर आपका कोई रियलाइजेशन हो जो आपका मदद किया है, तो डेफिनेटली कमेंट करके शेयर कर सकते हो, ताकि मेरा भी मदद हो और जो भी इस वीडियो को देखे, कमेंट को पढ़े, उसका भी मदद हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।